नए साल के आगमन के साथ ही पर्यटन स्थलों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि मनेंद्रगढ़ से अंबिकापुर जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 43 के किनारे हसदेव नदी के पास नर्सरी में भी लोग साल भर पिकनिक मनाने आते हैं। यहां आने वाले लोग किनारे अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। पिछले दिनों हाईवे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद इलाके के नायब तहसीलदार ने कलेक्टर को पत्र लिखा है और इस पिकनिक स्पॉट को बंद करने की बात कही है। हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता ने इस नर्सरी का जायजा लिया। हाँ, बाइक में दो बाइक आया तो अगर सफाई अगर जो दोनों जन पिछले दिनों जिस तरह से हाईवे में हादसे हुए हैं, 3 लोगों की जाने गई थी, उसके बाद से इस तरह के जो है पत्र जो कलेक्टर को लिखा गया है, वन प्रबंधन समिति जो लाई की बनी हुई है वो यहाँ पर पिकनिक स्पॉट का संचालन करती है, उसके कुछ लोग यहाँ पर हैं। आप लोग बताइए, यहाँ पे हादसे होते हैं, लोग गाड़ियों को सड़क में खड़े करते हैं, किस तरह से आप लोग यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं? साफ सफाई जो भी है, गाड़ी का देखभाल, नदी में जो कचड़े रहते हैं उसको साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करते हैं और शुल्क लेते हैं। कितना दोपहिया और चार पहिया वाहनों का कितना शुल्क है? 30 रुपये है चार पहिया वाहन का सफाई से, गाड़ी पार्किंग से, और बाइक का 10 रुपये है। तो ये यहाँ पे जो बात आ रही है कि हाईवे में गाड़ी खड़ी होती है, कभी भी घटना हो सकती है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नए साल के आगमन पे गाड़ियाँ बड़ी संख्या में रोड में खड़ी होती हैं। तो बाहर का गाड़ी का रिक्स नहीं लेते हैं, अंदर जो पार्किंग है उसी का रिक्स लेते हैं, बाहर का नहीं लेते। आप लोग मना नहीं करते हैं कि जो रोक खड़ा? मैं मना करते हैं, अब मना नहीं मानते हैं तो क्या करें। पिछले दिनों जो यहाँ पे NH 43 में नागपुर में और बरबसपुर को मिलाकर के 5 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद से एक नायब तहसीलदार जो है नागपुर के, उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखा है कि हाईवे में जो हादसे हो रहे हैं उसको लेकर के पिकनिक स्पॉट जो हसदेव नर्सरी में है उसको बंद किया जाए। सतीश गुप्ता, IBC 24, हसदेव नर्सरी, मनेंद्रगढ़।